मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारतीय परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं लिंगीय विभेद के कारण। लास्ट वीडियो में मैंने आपको चार लिंगीय विभेद के कारण बताए थे, मान्यताएं एवं परंपरा, अशिक्षा, सरकारी उदासीनता, संकीर्ण विचारधारा। ये चार बिंदुओं का हमने लास्ट वीडियो में इनके बारे में वर्णन किया था। अब हम पढ़ेंगे जागरूकता का अभाव। जागरूकता का अभाव यानी कि जागरूक करना, जनता को इस चीज के लिए अवेयर करना, तैयार करना। तो जो हमारे इसके लिए कहते हैं कि लिंग विभेद का जो हमारा कारण बना हुआ है वो है हमारा जागरूकता का अभाव। यानी कि आज की जनता, या हम कहें कि इसके अंदर जो लिंग विभेद के जो हमारे कारण है, हमारे समाज में जो लैंगिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उन मुद्दों पर जागरूकता की कमी है। क्योंकि जो हम विभिन्न इनके लिए ये कहा जाता है कि विभिन्न अभियान इसके लिए चलाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जिस तरीके से गवर्नमेंट इसमें उदासीन है, वही हमारी खुद जनता, हमारा समाज, हमारे देश की प्रजा इस चीज के लिए अवेयर नहीं है, वो जागरूक नहीं है। जो हमारे ये लिंग विभेद के जो हमारे चलाए जा रहे हैं मुद्दे, उठाए जा रहे हैं, उन मुद्दों में सभी की पूर्ण रूप से सहमति नहीं है, या हम कहें कि सभी इस चीज के लिए जागरूक नहीं है। अगर हमें किसी चीज को समाप्त करनी है, किसी बुराई को समाप्त करना होता है, तो हमें उस चीज के लिए जागरूक होना पड़ता है। हमने देखा है कि हमारे ही समाज में विभिन्न हमारे आदर्श जो हमारे शिक्षाविद हुए, जैसे कि हमारे समाज सुधारक हुए, हमारे हमने कहा कि राजा राम मोहन राय हुए, हमारे स्वामी विवेकानंद हुए, तो इन्होंने जो हमारे राजा राम मोहन राय ने जो हमारे समाज में इतनी जो बुराइयां व्याप्त थी, पर्दा प्रथा और इनकी, वो उन्होंने कैसे दूर की, क्योंकि वो इसके प्रति जागरूक थे, इस चीज के लिए प्रति जागरूक थे। तो वही चीज बताई जाती है कि जब हमें किसी चीज के बारे में कोई चीज हमें अगर हटानी है, खत्म करनी है, तो हमें उसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए, हम उस चीज के लिए तैयार रहे। तो वही चीज है कि लिंग विभेद जो बढ़ा है हमारा, उसका कारण है कि हमारे समाज में इससे संबंधित जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उन मुद्दों में पूर्ण रूप से सभी की सहमति नहीं है, जागरूकता की कमी है। जब ये जागरूकता की कमी है, इसी के कारण हमारे क्या हो रहे हैं, बालक बालिकाओं में, उनकी देख रेख में, उनकी शिक्षा में, उनके जो पालन पोषण है, इनके सभी स्तरों में भेदभाव किया जा रहा है उस जागरूकता की कमी के कारण। क्योंकि अगर सभी प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होंगे, तो प्रत्येक वो उसी चीज को मानेंगे जो हमने, या कहना कि इस लिंग विभेद दूर हट सकता है अगर हम इस चीज से जागरूक हो जाए। तो ये कहा जाता है कि जागरूकता के लिए हमारे समाज में, जहाँ बेटे के लिए कहा जाता है कि समाज में बेटा और बेटी एक समान के मंत्र का अनुसरण क्या सभी लोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे। बेटा बेटी एक समान का, अगर इस मंत्र का सभी लोग जागरूक होकर अगर इसका अनुसरण करते हैं, तो हम इस जो लिंग विभेद को हम दूर कर सकते हैं। और इसी में अगर सबकी जागरूकता या सब इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे, तो हमारा लिंग विभेद बढ़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमें इसके लिए हमारे जो स्त्रियों के जो कार्य क्षेत्र होते हैं, उन कार्य क्षेत्र को हम ये मानते हैं कि स्त्री सिर्फ चार दीवारी तक सीमित है, यानी कि हम उन्हें सिर्फ चार दीवारी में घर के अंदर घर का काम करने के लिए, इसी चीज के लिए हम मानते हैं। क्या हमारी ये सोच है? तो कहते हैं कि अगर सभी इस चीज के प्रति जागरूक हो जाए कि स्त्री केवल चार दीवारी के लिए नहीं, वो घर को संभालने के साथ साथ, इसमें तो हम ये भी मानते हैं कि पुरुष से ज्यादा स्त्री के ऊपर कार्य का भार होता है, वो ज्यादा अपना कार्य को संभालती है। हमने देखा है कि एक वर्किंग वुमेन होती है, वो अपने घर को भी संभालती है और साथ में वो अपने बाहर की जो अपनी सर्विस होती है उसे भी करते हैं। तो ये कहा जाता है कि हम जिस चीज को मान रहे हैं कि स्त्री केवल चार दीवारी तक सीमित है, इस सोच के प्रति हमें जागरूक होना है, तब हम इस लिंग विभेद को दूर कर सकते हैं। और अगर हम इस चीज को मानने लग जाएंगे कि स्त्री केवल घर की चार दीवारी तक है, तो लिंग विभेद बढ़ता चला जाएगा। फिर इससे क्या होगा, जब लिंग विभेद बढ़ेगा, तो जो हमारे आर्थिक
जो स्त्री हमारी भागीदारी सुनिश्चित करती है कि हम इस कार्य को, कहते ना कि अगर वो अपने काम भी करेंगी, घर के बाहर जाके वर्क भी करती है और घर भी संभालती है, इससे क्या होता है पुरुष को जहाँ वो घर का काम करती है उसके साथ साथ जो हमारी आर्थिक स्थिति होती है उसमें भी उनकी सहभागिता होती है। यानी कि हम जो हमारे कहते कई बार हमारी ऐसी स्थिति आ जाती है उस आर्थिक पोजीशन में भी स्त्री हमारी सहायक बनती है। तो कहते हैं कि हमारे इस चीज के लिए जागरूक प्रदान करनी चाहिए कि हम किस तरीके से इसमें जागरूकता ला सकते हैं। फिर आता है हमारा आर्थिक तंगी, यानी कि ये आर्थिक तंगी भी हमारी जो लिंग विभेद है उसका एक कारण बन जाती है। हमने देखा है कि हमारे भारत देश में आर्थिक तंगी से गुजरने वाले बहुत परिवार होते हैं, उनकी संख्या अत्यधिक होती है। तो ऐसे में क्या होगी, वो क्या करते हैं, बालक और बालिका में विभेद कर जाते हैं वो, यानी कि बालिका को शिक्षा प्रदान नहीं करेंगे, वो ये सोचेंगे कि हमारी अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं है, अगर उस घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उस घर के परिवार के लोग क्या सोचेंगे कि पुत्री को शिक्षा न दिलाएं और पुत्र को शिक्षा दिलाएं। यानी कि आर्थिक तंगी भी कहीं ना कहीं हमारा लिंग विभेद का कारण बन जाती है। वहीं वो अपनी आर्थिक तंगी के कारण वो विभेद कर जाते हैं और जहां लड़के को पढ़ने भेज देते हैं, शिक्षित होने के लिए भेज दिया जाता है, स्कूल भेज दिया जाता है, वही लड़की को घर का काम सिखाया जाता है। और लड़कों को स्कूल भेजने का जो उनका एक रीजन होता है वो ये होता है कि बाद में जाके जो उनके घर की आर्थिक स्थिति है उसको पुत्र दूर करता है। पुत्री के लिए सोचा जाता है कि इसे पढ़ाकर या इसे ये हमारे कौन सा साथ देंगी, ये तो इन्हें पराए घर जाना। लेकिन पुत्र की लिए पीछे उनके पीछे उनकी ये भावना होती है कि हमने पुत्र को शिक्षित किया तो वो हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने में उनका बराबर का योगदान देंगे। इसीलिए और घर की जो जिम्मेदारियां हैं, जो उसके बोझ होते हैं, उनको बांटने का कार्य कौन करेंगे, पुत्र करेंगे। इसी कारण लड़कियों को अपने जो श्रम और जो अपनी भागीदारी जो वो निश्चित करती है वो उनके कार्यों को या कहें कि वो आर्थिक तंगी उनके लिए एक अड़चन हो जाती है। तो ये हमारे लिए पराया जन की क्या करते हैं परिवार वाले, लड़की को पराया जन समझकर माता पिता और उसको अशिक्षित रहने देते हैं। यानी कि वो कैसी हो गई, अशिक्षित हो गई। यानी कि अशिक्षित होने का कारण भी हमारा लिंग विभेद हो गया लड़कियों को अशिक्षित होने का। तो लड़की के विवाह में हम क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई लड़की तो हमारे लिए आर्थिक तंगी है, लड़की की शादी करेंगे उसे दहेज देना पड़ेगा, दहेज में भी ब्याह करना है और लड़के के साथ ऐसा नहीं करना पड़ता। ये उनकी सोच हो जाती है जब से वो कहते ना कि जब से जन्म होता है पुत्र और पुत्री का, उसके पीछे एक उनकी ये आर्थिक स्थिति भी वहीं से शुरू हो जाती है। ये विचार उनके दिमाग में आ जाता है कि पुत्र की शादी पर इतना खर्च होगा और पुत्र जहाँ एक दहेज प्रथा नाम से ऐसी चीज चली हुई है, पुत्र के लिए कहा जाता है कि पुत्र धन लेकर आएगा और पुत्री धन लेकर जाएगी। तो ये आर्थिक तंगी भी हमारे लिंग विभेद का कारण है। अब आता है हमारा सांस्कृतिक कारक, ये भी हमारे जो सांस्कृतिक कारक है, ये भी हमारी सांस्कृतिक कुप्रथाएं भी कह सकते हैं हम इन्हें, हमारे सांस्कृतिक कारक भी कह सकते हैं, हमारी सांस्कृतिक कुप्रथाएं। ये हमारे जो सांस्कृतिक, हमारे जो संस्कृति की देन है, पर्दा प्रथा, बाल विवाह जो चला आ रहा था हमारे, कि ये जो चीजें हमारे दहेज, ये हमारी जो सामाजिक कहते ना हमारी जो सांस्कृतिक कुप्रथाएं हैं, हमारी चलती आ रही है हमारी संस्कृति प्राचीन काल से। हमारी संस्कृति जो थी वो कैसी थी, पुरुष प्रधान थी। यानी कि यही चला आ रहा है हमारी संस्कृति में कि पुरुष प्रधान होता है। जो हमारे आज के टाइम पे हमने देखा है कि हमारे कुछ अपवाद स्वरूप भी हुए हैं, यानी कि स्त्रियां भी जो कई ऐसी स्त्रियां हुई है, ऐसी विदुषियां हुई है जिन्होंने अपने लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, एक आवश्यक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए, परंतु हमारे इतिहास ने हमने देखा है कि हमारी संस्कृति ऐसी है जिसने जहाँ कहते हैं कि भगवान ने भी सीता से जब शादी की थी तो उन्हें भी सीता का त्याग करना पड़ा था। सीता का त्याग करने के बाद उन्होंने उसकी क्या ली थी,
अग्नि परीक्षा ली थी। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब भगवान भी इस चीज को नहीं बचा सके, संस्कृति की कुप्रथा से नहीं बच सके, जो हमने कहा था कि द्रौपदी का, हमने देखा कि द्रौपदी का भी उस युग में, उस सत्य युग में उनका चीरहरण किया गया था। तो ये जो हमारी कुप्रथाएं, हमारी सांस्कृतिक कुप्रथाएं जिसे हमें माननी पड़ती है, ये हमारे संस्कृति ही हमारे लिंग विभेद का कारण बनते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि पति क्या है, परमेश्वर। पहले लड़की अपने पिता की माननी पड़ती है, फिर भाई की माननी पड़ती है, फिर पति की माननी पड़ती है, पति से वो अपने ससुराल के पक्ष की माननी पड़ती है। कहा जाता है कि लड़की के लिए जो हमारे समाज, हमारे हिंदू या कहें कि हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष देश में जो हमारे लिए पुरुष प्रधान है, वहां ये माना जाता है कि स्त्री को सिर्फ और सिर्फ किसका कहना मानना है, पुरुष का। तो ये ऐसी जो हमारी संस्कृति की देन है, ये देन ही हमारी जो एक तरीके से हम कुप्रथा का नाम दे सकते हैं, ये हमारी सांस्कृतिक कुप्रथाएं क्या करती है, हमारा लिंग विभेद का कारण बन गई। यानी कि हमारा जो वर्ग है वो एक स्त्री के लिए तो गौण हो गया और ये पुरुष प्रधान बन गया। और यही स्थिति एक वर्ग, एक समुदाय के लिए स्त्री और पुरुष का न होकर क्या हो गया, समग्र स्त्रियों के लिए ये एक लिंगीय समस्या का रूप धारण कर लेती है। यही हमारी जो संस्कृति कुप्रथा है, इसने एक तरीके से एक ऐसा भयावह रूप ले लिया जिसमें इन दोनों में लिंगीय विभेद होने लगा। अब आता है हमारा सामाजिक कुप्रथाएं। सामाजिक कुप्रथा में हमने देखा है, सामाजिक कुप्रथाएं कौन कौन सी चल रही है हमारी, हम देखते हैं दहेज प्रथा, यानी कि हमारे समाज में व्याप्त बुराइयां, कि हमारे समाज में कौन कौन सी जो कुप्रथाएं हैं। अब इसमें देख सकते हैं हम कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, यानी कि ये सी हमारे, जैसे हम ये कहते विधवा विवाह निषेध, विधवा विवाह निषेध, यानी कि मना, इस चीज को सख्त मना कर दिया गया कि एक विधवा अपनी शादी करने के लिए मना, निषेध, मना कर दिया गया। और हम देखें कि हमने कई बार जो हमारी ये रूढ़िवादिता होती है, रूढ़िवादिता जिसमें हम ये मानते हैं कि कई बार ये हो जाता है कि स्त्री को क्या मान लिया जाता है, डायन मान लिया जाता है। इस तरीके की जो हमारी सोच होती है, ये सोच हमने देखा है हमारे जो समाज में जो व्यभिचारी पाए जाते हैं, कि छेड़छानी जो हमारे समाज में लड़कियों के साथ जो छेड़छानी होती है, इस तरीके की जो चीजें हैं ये हमारी सामाजिक कुप्रथाएं फैलाती हैं। ये हमारे कहते हैं कि हमारे भारतीय समाज में जहां सूचना और तकनीकी के युग में हमने तमाम प्रकार की जो हमारी कुप्रथाएं हैं, हमारा जो अंधविश्वास से हमारा देश भरा हुआ है, ये समाज की जो हमारी कुप्रथाएं हैं, जैसे दहेज प्रथा, यानी कि क्या करते हैं इसमें, आज के टाइम में देखा कि दहेज इतना बढ़ गया कि लड़के के लिए दहेज में कई बार पिता को अपना सारा घर बार भी बेचना पड़ जाता है। तो ये हमारा लिंग विभेद का कारण बन जाते हैं। इसीलिए परिवार में जब लड़की पैदा होती है तो ये कहा जाता है कि हमारे लिए खर्चा आ गया। तो ये दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, क्योंकि इसी के पीछे ये सब चीजें होती चली जाती है। कन्या को गर्भ में मार देना, जिसके लिए हम कहेंगे बहुत सी सोच है इस कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर, जिसमें हम ये कह रहे हैं पहले तो खर्चा, दूसरा ये कहा जाता है कि लड़के हमारे क्या करते हैं, हमारे परिवार को आगे बढ़ाते हैं, तीसरा हम ये कह रहे हैं कि लड़के हमारे लिए हमारा आधार बनते हैं, बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, तीसरा हम ये कह दें कि बुढ़ा अगर लड़का नहीं होगा तो हमारी मोक्ष कौन करवाएगा, अंतिम संस्कार कौन करवाएगा। ऐसी जो हमारी कुप्रथाएं हैं वो हमारी कन्या भ्रूण हत्या का कारण बन रही हैं और हमारे लिंग विभेद का कारण बन रहे हैं। बाल विवाह, जहां बचपन में ही शादी कर दी जाती थी, ये भी हमारी कुप्रथा लिंग विभेद का कारण बना, नहीं लड़कियों की बहुत जल्दी ही शादी कर दी जाती थी, बाल विवाह कर दिया जाता था। पर्दा प्रथा, यानी कि लड़की औरत को क्या करना था अपनी सुरक्षा के लिए, पर्दा प्रथा, उन्हें घूंघट में रहना अनिवार्य है। विधवा विवाह निषेध,
यानी कि अगर चाहे एक लड़की बाल विवाह जहाँ उसका हुआ है और वो जल्दी विधवा हो जाती है, लेकिन विधवा विवाह करना हमारे समाज में, हमारे देश में मना है या कहीं उसे अच्छा नहीं माना जाता। आप कहें कई बार ऐसा होता है कि स्त्रियों के पीछे ये मान लिया जाता है कि ये तो कहते रूढ़िवादी का छुपी हुई होती है, अंधविश्वास छुपा हुआ होता है कि ये गायन है या क्या है। दूसरा, हमारे समाज में जो छेड़छाड़, जो लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ी की जाती है, उनके लिए जो गलत कार्य किए जाते हैं, ये भी हमारा लिंग विभेद का कारण बन जाती है। इसीलिए लड़की के जन्म होते ही और लड़की की सुरक्षा के लिए माता पिता चिंतित हो जाते हैं। तो ये हमारी जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं, ये भी हमारे लिंग विभेद का कारण बनती है। फिर आता है हमारा, इसमें पढ़े हम दोषपूर्ण हमारी शिक्षा प्रणाली, कि जो हमारी दोषपूर्ण हमारी को शिक्षा प्रणाली है, कैसे हमारा दोषपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में हम देखते हैं। अपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य यानी कि ये हमारी जो आज की शिक्षा है, हमारी दोषपूर्ण जो शिक्षा प्रणाली है, उसकी कमी बताई जा रही है कि किस तरीके से हमारी जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है वो दोषपूर्ण है, जिस कारण हमारी शिक्षा का संबंध जहाँ हमारे व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन से होना पाया जाता है, लेकिन आजकल ये नहीं है। देखा है ना, हमारी जहाँ व्यवहारिक शिक्षा आज के टाइम पर कम दी जाती है, किस पर जोर देते हैं हम? व्यवहारिक शिक्षा पर जोर न देकर हमारा एक ऐसा पाठ्यक्रम भी हमारा क्रिया प्रधान बन गया, अर्थात हमारी जो आवश्यकता है उसमें व्यवहारिक ज्ञान कहीं नहीं है। उसमें ये देखा जाता है कि हम शिक्षित होकर और क्या करें, हमारे पांव पर खड़े हो। तो ये हमारी शिक्षा प्रणाली का नहीं, व्यवहारिक ज्ञान की कमी हो गई। इस जो हमारी आज की विभिन्नता पाई जाती है, ये हमारे व्यवहारिक ज्ञान से जुड़ा होता है। हम जब एक ज्ञान देते हैं तो व्यवहारिक ज्ञान शिक्षा देना हमारे लिए अनिवार्य है। हमारी दोषपूर्ण शिक्षा विधि, ये सब हमारी शिक्षा प्रणाली के क्या है? दोष है। फिर आता है हमारा मनोवैज्ञानिक कारक। हमारे जो लिंग विभेद में है, लिंग विभेद में कहीं ना कहीं हमारे जो मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं, वो मनोवैज्ञानिक कारक भी हमारे इसके लिए क्या होते हैं कि मनोवैज्ञानिक कारक भी हमारे कहीं ना कहीं लिंग विभेद के कारण बन जाते हैं। हमारे खुद के विचार कि क्या इसके प्रति हमारे विचार होते हैं, ये मनोवैज्ञानिक जो कारण है, मनोवैज्ञानिक कारणों की वजह से कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक यानी मन के कारक, मन के सोचने के विचार, ये सभी हमारे लिए एक तरीके से एक लिंग विभेद का हमारे कारण बन चुके हैं। लिंग विभेद के कारण में हमारे जिस तरह से मनोवैज्ञानिक कारक है कि इसमें मनोवैज्ञानिक कारकों की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो प्रारंभ से ही कहाँ से शुरू गई, स्त्रियों के मस्तिष्क में। मनोवैज्ञानिक का है मन का और आत्मा का विचार, तो इसमें कहा जाता है कि स्त्रियों के प्राचीन समय से उनके मस्तिष्क में एक चीज उनके छप चुकी है कि स्त्री की जो स्थिति है वो कहाँ है, घर तक सीमित है। यानी कहते हैं ना, किसी कार्य को करने के पीछे हमारे मनोवैज्ञानिक कारण भी है, तो वो लिंग विभेद का कारण भी हमारा यही बन गया। फिर एक स्त्री जब वो घर पर है तो वो आगे जब अपनी पुत्री पैदा होती है तो उसे भी वह यही सिखाया जाता है कि हमें घर में रहना है और कार्य करना है। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक कारक हैं, ये भी हमारे लिंग विभेद के कारण बन जाते हैं। पालन पोषण की जो बात आती है, जिस तरीके से स्त्री का होता है खुद का, स्वयं का, माता का, उसी तरीके से वो पुत्री का पालन पोषण करने की स्थिति आ जाती है। यानी किस तरीके से वो पुरुष के सानिध्य में रहती है, पुरुष से दबकर रहती है, तब वो अपनी पुत्री को भी यही सिखाती है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि मनोवैज्ञानिक जो कारक हो जाते हैं, यही कारक हमारे लिंग विभेद का आधार बन जाते हैं कि किस तरीके से उसे जैसा खुद वो सोच रही है वैसा ही वो आगे अपने परिवार या कहें अपनी पुत्री को भी वो चीज माने जाते हैं, जिसमें कह दे कि हमें पति की सेवा करनी है, पति की आज्ञा का पालन करना है, इस तरीके से हम एक आदर्श स्त्री बन सकते हैं। वो उसी आदर्श स्त्री के गुण वो किसको सिखाती है? अपनी पुत्री को सिखाती है। तो यही हमारा लिंग विभेद का कारण है,
ये सारे हमारे टैन जो हैं कि लिंग विभेद किस तरीके से हमारे देश पर हावी है। आज के टाइम पर जो हमारी सबसे भयानक स्थिति है वो है हमारी कन्या भ्रूण हत्या, लिंग विभेद। ये हमारे लिए सबसे सबसे भयानक पोजीशन है। तो ये हमारे आज लिंग विभेद के कारण थे। धन्यवाद।